अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू वाले चावल बनाने का तरीका। उसमें मैंने एक बड़े साइज़ की अनियन प्याज कटिंग कर ली है। 4 पोटैटोस मैंने इन्हें इस साइज़ में कटिंग किया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर और मैंने इसमें 10 ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं। आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं। फुल 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, फुल टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और ये 4 कटोरी चावल हैं, इन्हें मैंने भिगो के रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। पतीला लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच बड़े कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अब मैं इसमें ये सारे टमाटर और हरी मिर्च डाल दूँगी। और ये मसाले और इसके साथ ही ये आलू बारीक कटे हुए भी डाल देने हैं। और इसे तकरीबन 5 मिनट बाद ये देखें मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। 4 कटोरी चावल थी, उसमें 7 कटोरी पानी डलेगा। हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर और ज़रूरत हो तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं। जब तक चावलों का पानी बॉयल होता है, हम चटनी का सामान तैयार करते हैं। 1 टमाटर, 1 प्याज कटी हुई, हरा धनिया, इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं, 1/2 टीस्पून सॉल्ट नमक और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और इसमें 2 ग्रीन चिली भी है। आँच तेज़ थी इसके नीचे, ये पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो हमने पहले भिगो के रखे हुए थे। पाँच मिनट के बाद ये अब दम लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। ढक्कन पे रुमाल लगा दिया मैंने और इसको अब ढक के मैं दम पे रख दूंगी हल्की आंच पे। 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसका दम हम खोल देंगे। मज़ेदार आलू वाले चावल की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है और ये साथ मैंने चटनी बनाई है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।